इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक कैंटिलीवर का डिप्रेशन कितना होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम कैंटिलीवर कहते किसे हैं। ये जो कैंटिलीवर होता है ये एक थिन यूनिफॉर्म बार होता है जिसका कि एक एंड जो होता है वो फिक्स्ड होता है, जबकि वही दूसरा एंड जो होता है ये हवा में फ्री होता है। तो अगर आप यहां पे देखें, ये हो गया एक थिन यूनिफॉर्म बार जिसका कि यहां पे ये वाला जो एंड है ये यहां पे रिजिडली फिक्स्ड है। चलिए नाम दे देते हैं, ये जो है ये है ए, इसका जो ए सिरा है ये यहां पे रिजिडली फिक्स्ड है, जबकि वहीं पे ये जो सिरा दूसरा वाला है ये हो गया बी। ये क्या है, ये यहां पे फ्री है हवा में, यहां पे ये फ्री है। हम यहां पे जो है लटकाएंगे दूसरे एंड पे वेट, तो हम इसे कहते हैं ये है कैंटिलीवर। हमने ये मान लिया कि यहां पे ये जो कैंटिलीवर है इसका जो लेंथ है, इस कैंटिलीवर का जो लेंथ है ये हमने ये मान लिया किया है एल। सो यहां पे इसका जो लेंथ है ये हमने मान लिया कि ये है एल, और यहां पे हम जो है एक सेक्शन कंसीडर करेंगे, वो सेक्शन होगा पीबी। सो यहां पे एक नाम दे देते हैं, ये जो पॉइंट है मैं यहां पे थोड़ा कलर बदल ले रहा हूं, तो यहां पे ये वाला जो पॉइंट है इसे हमने नाम दे दिया ये है पी, और यहां पे हमने ये वाला जो सेक्शन है पीबी इसी को यहां पे हमने कंसीडर किया है। और यहां पे ये जो पी है इसका जो डिस्टेंस है एक फिक्स्ड पॉइंट से ए से मतलब वो हमने मान लिया वह है एक्स। तो यहां पे ये जो डिस्टेंस है वो है एक्स, तो ऑब्वियसली यहां पे पी से लेकर के बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा एल माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं कि ये जो बी सिरा है जो कि फ्री है यहां पे, इस पे हम जो है नीचे की तरफ लटकाएंगे वेट। तो जब हम यहां पे इस फ्री एंड पे वेट लटकाएंगे तो यहां पे ये जो पॉइंट पी है यहां पे एक रिएक्शन होगा, ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स बनेगा ऊपर की तरफ, तो ये फोर्स और ये फोर्स मिलकर के एक कपल बनाएगा जिसके कारण ये जो है ये जो यहां पे कैंटिलीवर है ये सर्कुलर आर्क में जो है बेंड हो जाएगा कुछ इस तरह से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहां पे जो है नीचे की तरफ सस्पेंड किया क्या वेट। सो यहां पे हमने वेट यहां पे सस्पेंड किया तब जाकर के ये मुड़ गया। यहां पे देखिए डिप्रेशन कितना हुआ है इस फ्री एंड का, चलिए यहां पे ये जो डिप्रेशन हुआ है यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिप्रेशन है ये हमने ये मान लिया किया है वाई। यही हमें पता करना है कि ये जो डिप्रेशन है वाई ये कितना होगा, यही हम इस वीडियो में पता करेंगे कि इस फ्री एंड का डिप्रेशन कितना है जो कि है वाई, वाई किसके बराबर होगा यही हमें पता करना है। तो यहां पर आप देखें ये जो पॉइंट P है ये अब यहां से होकर के मतलब यहां पे ये जो मॉलिक्यूल होगा वो अब यहां पे चला आया। चलिए इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, ये है P डैक्स। सो ये हो गया P डैक्स। अब यहां पे ये जो हमने वेट लटकाया जिसके कारण यहां पे कपल बना, तो वो जो होगा एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट हम उसे कह सकते हैं, तो वो कितना होगा एक बार देख लेते हैं। तो यहां पे जो एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट होगा एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट ये बराबर होगा ये जो वेट है इसके कारण जो यहां पे फोर्स बनेगा वो होगा डब्ल्यू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों फोर्स के बीच में। दैट मींस यहां पे एक फोर्स तो ये वेट के कारण बना, दूसरा यहां पे रिएक्शन वाला फोर्स ऊपर की तरफ बनेगा, तो इन दोनों के बीच में यहां पे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये वाला यही होगा एल माइनस एक्स। तो यहां पे हम लिखेंगे एल माइनस एक्स, तो यहां पे ये हो गया, यहां पे ये हो गया एल माइनस एक्स, तो एल माइनस एक्स। तो ये हो गया जो हमने यहां पे बाहर से फोर्स अप्लाई किया, मतलब हमने यहां पे ये जो वेट अप्लाई किया उसके कारण यहां पे जो एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट होगा वो बाहर वाला। अब जैसे ही हम इस वेट को अप्लाई करेंगे ये मुड़ जाएगा, तो इसके अंदर जो है एक रिस्टोरिंग कपल डेवलप होता है, तो चलिए उसे भी लिख लेते हैं वो कितना होगा। तो यहां पर जो इंटरनल बेंडिंग मोमेंट होगा इंटरनल बेंडिंग मोमेंट
ये बराबर होगा, हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था, बेहतर होगा कि अगर आप उस वीडियो को एक बार देख लें जिसमें हम बेंडिंग मोमेंट पता किए थे एक बीम का, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो हमने उसमें देखा था कि ये जो बेंडिंग मोमेंट होता है, इंटरनल बेंडिंग मोमेंट होता है, ये होता है यंग्स मॉडुलस इनटू जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे ये जो मूड़ा है इसका एक रेडियस होगा, आगे चल के हम इसे भी यहाँ पे लिखेंगे, फिलहाल अभी हम छोड़ दे रहे हैं। अब जब ये बीम इक्विलिब्रियम में होगा, आप इसे एक बीम मान सकते हैं जो कि बहुत पतला है, तो जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो उस केस में ये फोर्स जो कि बाहर से अप्लाई किया गया, मतलब बाहर वाला जो बेंडिंग मोमेंट है और यहां पे ये जो इंटरनल बेंडिंग मोमेंट है, ये बराबर होगा। तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो होगा, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इस केस में जो है ये बराबर होगा, देखिए किसके, ये होगा W इंटू एल माइनस एक्स, ये बराबर होगा Y जो कि होगा यंग्स मॉडुलस इंटू जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो यहां से हम ये जो R है इसका वैल्यू पता कर सकते हैं, सो यहां से हम लिख सकते हैं R इक्वल टू ये होगा यंग्स मॉडुलस इंटू जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय W इंटू एल माइनस एक्स। तो यहां पे हम इसे नाम दे देते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, मतलब ये हम यहां पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे क्यू डैश। सो यहां पे ये है क्यू डैश, ये जो क्यू डैश है ये इस पी डैक्स के बहुत 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 करीब है, हमने थोड़ा दूर ड्रा किया है ताकि ये हमें दिखे। तो अब यहां पे ये जो आर्क होगा इसका जो सेंटर होगा, बेसिकली इसका जो सेंटर होगा वो हमने ये मान लिया कि वो जो सेंटर है वो यहां पे है, इसको नाम दे देते हैं ये है सी। अब यहां पे हम इसे जो है मिला देते हैं कुछ ऐसा, कुछ इस तरह से, हमने ये मान लिया कि यहां पे ये जो एंगल बना ये बना डी थीटा, बहुत छोटा एंगल है, ये है डी थीटा। मैं फिर बता दूं कि ये जो पी डैश क्यू डैश है ये बहुत बहुत करीब है, और हमने ये मान लिया कि ये जो पी डैश क्यू डैश है इसका जो यहां पे लेंथ है, इस आर्क का ये जो लेंथ है ये हमने मान लिया कि ये है डी एक्स। सो यहां पे ये हो गया डी एक्स, और हमने ये मान लिया कि यहां पे ये जो रेडियस होगा इसका ये है, ये रेडियस है R, चलिए ये होगा R, तो ये भी होगा R। इस केस में ये जो आर्क है इसका जो लेंथ होता होगा उसे एक बार देख लेते हैं। तो यहां पे जो P डैश Q डैश होगा, यहां पे ये जो है P डैश Q डैश, ये बराबर होगा किसके, देखें आर्क का जो लेंथ होता है जिस सर्कल का वो आर्क है उसका रेडियस, रेडियस है आर, और जो ये एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे वो है डी थीटा। तो यहां पे ये हो गया डी थीटा, यहां से हम आर का वैल्यू पता करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जो पी डैश क्यू डैश है इसका जो लेंथ है वो हमने माना है डी एक्स, तो हम यहां पे लिखेंगे डी एक्स, डी एक्स बराबर आर इंटू डी थीटा, और यहां से ये जो आर है इसका वैल्यू होगा डी एक्स डिवाइडेड बाय डी थीटा। तो हमने ये मान लिया कि ये जो है ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे ये जो इक्वेशन नंबर 2 से आर का वैल्यू आया है इसे हम इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं, ये होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां से हम लिखेंगे आगे dx by d theta, dx by डी थीटा, ये बराबर होगा यंग्स मॉडुलस इंटू जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय ये डब्लू, और फिर यहां पे एल माइनस एक्स, हमने कुछ नहीं किया, हमने इस आर की जगह पे जो है डी एक्स बाय डी थीटा रखा है। तो यहां से जो है हम डी थीटा का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो यहां से ये जो डी थीटा होगा, ये जो डी थीटा होगा इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा वेट,
ये जो W है वेट, ये इंटू एल माइनस एक्स, और यहाँ पे ये होगा डी एक्स, और ये डिवाइडेड बाय में होगा, डिवाइडेड बाय में होगा यंग्स मॉडुलस इंटू जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पे ये जो है इसे हम दे देते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहां पे ये जो डी थीटा है इसके वैल्यू को पता करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे जो है हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट। तो यहां से ये जो पी डैश है इससे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा, और एक हम और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे क्यू डैश से, सो यहां से ये कुछ ऐसा, और ये जो कट कर रहा है इन दोनों पॉइंट को नाम दे देते हैं कि ये जो पॉइंट है ये वाला, इसे नाम दे देते हैं ये है टी, और यहां पे ये जो है ये है एस। मैं आपको बता दूं कि यहां पे ये जो पी डैश क्यू डैश है, ये जो आर्क है, इसके कारण जो डिप्रेशन हो रहा है हम उसे पता कर रहे हैं एक प्रकार से। तो इसके कारण यहां पर यह जो डिप्रेशन होगा वो कुछ इतना होगा टी एस, और ये हम मान लेते हैं कि ये जो डिप्रेशन है यहां पे छोटा सा ये है डी वाई, सो यहां पे टी एस जो है ये है डी वाई के बराबर, बहुत छोटा है ये, सो यहां पे ये होगा डी वाई। किसके कारण है, ये जो आर्क पी डैश क्यू डैश है इसके कारण यहां पे ये छोटा सा डिप्रेशन डी वाई बन रहा है। तो यहां पे ये हो गया डी वाई, और यहां पे ये जो एंगल होगा ओबियसली यहां पे ये जो एंगल होगा ये होगा डी थीटा ही, सो यहां पे ये होगा डी थीटा। अब क्या है देखें, यहां पे अगर ये d थीटा है और यहां पे देखें ये 90 डिग्री होगा, सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो dy होगा ये होगा इसका परपेंडिकुलर, और ये होगा इसका हाइपोटेन्यूस। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो साइन ऑफ थीटा होगा, माफ कीजिएगा, साइन ऑफ d थीटा हमें कहना होगा यहां पे, क्योंकि हमने यहां पे जो कंसीडर किया है एंगल वो है d थीटा। तो यहां पर हम लिखेंगे यहां पर साइन ऑफ d थीटा, साइन ऑफ डी थीटा ये बराबर होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है डी वाई, तो यहां पे ये होगा डी वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस है क्यू डैश यस, यहां से लेकर के यहां तक। लेकिन हम यहां पे ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो क्यू डैश है ये पी डैश के बहुत 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 करीब है, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो लेंथ होगा पी डैश टी का वही लेंथ होगा क्यू डैश एस का भी, क्योंकि ये बहुत करीब है हम ऐसा मान सकते हैं। और P डैश और T ये जो लेंथ है ये है किसके बराबर, ये है L माइनस X के। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि ये होगा L माइनस X के बराबर, तो यहां पे ये हो गया L माइनस X के। तो यहां से अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो एंगल है D थीटा ये बहुत बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो ऐसे सिचुएशन में जब एंगल बहुत छोटा होता है तो हम इस सिचुएशन में हम इसे लिखते हैं डी थीटा के बराबर। कब, जब ये डी थीटा बहुत छोटा होगा तब हम साइन ऑफ डी थीटा को हम लिख सकते हैं डी थीटा के बराबर। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि ये होगा डी थीटा इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाय एल माइनस एक्स के। तो यहां पे अब जो है हम क्या करेंगे, हम यहां पे ये जो d थीटा का वैल्यू है वो यहां पे इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे आगे dy by l माइनस x, ये बराबर होगा किसके, इसी के। तो यहां पे ये हो गया w इंटू एल माइनस एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस इंटू जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पे अब जो है हम यहां पे क्या करेंगे कि यहां पे हम क्या करेंगे कि इसको जो है ये जो है इसको हम इस साइड भेज देंगे। तो यहां से आगे बढ़ते हैं और हम अब जो है लिखेंगे यहां से आगे कि dy ये बराबर होगा w इंटू, जैसे ये जो एल माइनस एक्स है ये इस साइड आएगा तो यहां पे ये जो एल माइनस एक्स इसके साथ ये स्क्वायर हो जाएगा, सो एल माइनस एक्स का ये हो गया होल स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस इंटू जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
अब क्या है, अब हम इसी को करेंगे यहां पे इंटीग्रेट। तो यहां पे अब हम जो है इसी को करने वाले हैं इंटीग्रेट। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, हम इसे करेंगे इंटीग्रेट। तो यहां पे ये डीवाई होगा, तो इसे तो हम वाई के ही रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पे ये हो गया डीवाई और ये बराबर होगा, इसको जो है हम एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पे ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस इंटू जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक बार इसका लिमिट बैठा लेते हैं। तो देखिए इसका लिमिट क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में हम इसको एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहां पे अगर आप देखें, यहां पे ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये वाला जहां पे ये फिक्स्ड है, ये कैंटिलीवर, इस पॉइंट पे एक्स का जो वैल्यू होगा, यहां पे ये जो एक्स का वैल्यू होगा ये जीरो होगा। तो यहां पे डिप्रेशन कितना हो रहा है, वो जीरो है। तो वाई का भी वैल्यू जीरो होगा इस सिचुएशन में, मतलब इस फिक्स्ड एंड पे पॉइंट पे। यहां पे एक्स का वैल्यू भी जीरो होगा तो वाई का भी वैल्यू जीरो होगा। तो यहां पे अब यहां पे हम लिखेंगे, अगर यहां पे एक्स का वैल्यू जीरो है, इसका जो लोअर लिमिट है वो जीरो है, तो यहां पे जीरो होगा, वाई का वैल्यू जीरो होगा। और हम देखें इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर रहे हैं, हम यहां पे फ्री एंड का डिप्रेशन पता कर रहे हैं। तो फ्री एंड तक यहां पे देखें एक्स का वैल्यू जैसे जैसे आप फ्री एंड की तरफ जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। सो यहां से एक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा और यहां पर ये जो पॉइंट बी है जो कि यहां पर फ्री है, यहां पे एक्स का वैल्यू देखें वो किसके बराबर है, वो वैल्यू है एल के बराबर। तो फ्री एंड का ही हम डिप्रेशन पता कर रहे हैं। तो यहां पे जो वैल्यू होगा एक्स का वो होगा एल के बराबर। और जब यहां पे एक्स का वैल्यू एल के बराबर होगा तो इस सिचुएशन में आप देखें यहां पे जो डिप्रेशन हो रहा है, वो जो डिप्रेशन हो रहा है वो हुआ कितना रहा है, वो है वाई के बराबर। तो जब एक्स का वैल्यू एल होगा तो यहां पे y का वैल्यू y के ही बराबर हो जाएगा। तो यहां पे जब यहां पे ये होगा x का वैल्यू l के बराबर, तो यहां पे जो डिप्रेशन हो रहा है टोटल वो हो रहा है कितना, वो हो रहा है y। मैं यहां लिख दूं, ये है टोटल, ये जो मैं पता कर रहा हूं यहां पे, ये है टोटल डिप्रेशन। तो ये है टोटल डिप्रेशन एट द फ्री एंड, फ्री एंड के लिए है ये, एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर, ऑफ द कैंटिलीवर। तो फ्री एंड पे ही देखें, जब यहां पे एक्स का वैल्यू इस फ्री एंड पे एल के बराबर है, तो यहां पे जो डिप्रेशन हुआ यहां से यहां तक कितना हुआ, वो है वाई। तो इसीलिए हम वहां पे जो है वाई लिख रहे हैं, इसका जो यहां पे अपर लिमिट है वो y है। अब यहां पे हम इसे करेंगे इंटीग्रेट। तो जैसे ही हम यहां पे dy को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा y, और जब हम लिमिट लिखेंगे तो हम कुल मिला जुला के यहां पे हमें मिलेगा ही y। तो यहां पे होगा y और ये बराबर होगा, देखे किसके, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हम इसे बाहर कर लेते हैं। तो w डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस इंटू जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ इसका जो लिमिट है वो है जीरो टू एल। और यहाँ पे बचा क्या, अब हमें बचा है ये वाला टर्म, हमको ये वाला मिला बचा हुआ। तो यहाँ पे ये जो एल माइनस एक्स है ये तो है होल स्क्वायर में, तो हम इसका जो है एक्सपेंशन कर देंगे यहीं पे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एल एक्स, और यहां पे होगा डी एक्स। अब हम इसे करेंगे इंटीग्रेट। तो यहां पे आगे बढ़ते हैं, ये होगा वाई बराबर डब्ल्यू इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहां पे जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एल ये कांस्टेंट है, ये बाहर जाएगा, तो यहां पे होगा एल स्क्वायर इंटू एक्स, मतलब एल स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो कुछ इतना, प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री, और माइनस टू एल इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू के। तो यहां पे ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, और यहां पे हम इसका जो लिमिट है उसे भी लिख लेते हैं।
जीरो टू एल, इसका लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट एल है। अब यहां पे ये जो लिमिट है इसको इसके अंदर जो है इंसर्ट करेंगे, तो जहां पे एक्स है वहां पे हम लिखेंगे एल, और फिर माइनस करके हर एक्स की जगह पे जीरो रखेंगे तो टर्म जो है वो सब जीरो बन जाएगा। तो हम सिर्फ यहां पे ये जो एल वाला होगा उसी को यहां पे कंसीडर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और यहां से जो है हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे ये जो y है ये बराबर होगा, ये बराबर होगा वेट w और डिवाइडेड बाय में होगा यंग्स मॉडुलस इनटू जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर यहां पे अब हम लिमिट को ही रखेंगे। तो यहां पे ये जो x है इसके जगह पे जब हम l रखेंगे तो ये होगा l, और l स्क्वायर इनटू l ये हो जाएगा l क्यूब के बराबर, तो ये हो गया l क्यूब प्लस इस x की जगह पे हम l रखेंगे, यहां पे ये जो l है यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा l क्यूब के बराबर, तो ये हो गया l क्यूब डिवाइडेड बाय 3। और माइनस यहां पे ध्यान दें कि ये जो आपको 2 दिख रहा है इसे 2 के साथ यहां पे कैंसिल हो जाएगा, और जब हम यहां पे x स्क्वायर की जगह पे l रखेंगे तो ये हो जाएगा l स्क्वायर, और एक l पहले से ही है तो यहां पे हो जाएगा l क्यूब, तो यहां पे ये हो गया l क्यूब। अब देखें यहां पे ये है प्लस l क्यूब और ये है माइनस l क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमें आगे मिलेगा y इक्वल टू w डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस इनटू जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ये मिले हमें l क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो इसी को जो है हम सदा के कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल डिप्रेशन एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर ये बराबर होगा वेट w जो कि वहां पे सस्पेंड किया गया, और यहां पे लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर का यहां पे क्यूब डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ द कैंटिलीवर, तो यहां पे ये होगा यंग्स मॉडुलस इनटू जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी, और यहां पे ये जो 3 है इसे भी हम यहां पे मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। तो ये हमें मिल गया कैंटिलीवर के लिए डिप्रेशन। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।